ओवरव्यू ऑफ मेज एंड ऑयल सीड पॉलिसीज मेज इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप इन द्रॉप इन द्रॉप सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जब हम मेज की डिस्कशन करें तो यह मेज़ बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन दर्मिनेशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी और फिर ये आपके पास जो मेज है इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इम्पोर्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल गुड्स और उसके साथ साथ मेज इज ऑल्सो यूज एज लाइव स्टॉक फीड अगर हम पाकिस्तान में डिस्कशन करें मेज़ की प्रोडक्शन की तो इन पाकिस्तान इन पाकिस्तानी मार्केट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ टू सिंस द मिड गवर्नमेंट हैज नॉट इंटरवीन इन द मेज प्रोडक्शन लेकिन मेज की जो प्रोडक्शन थी इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फोर्टीन इट वॉज वन पॉइंट सिक्स फोर मिलियन टन इन ईयर टू थाउजेंड और जो कि फोर पॉइंट फाइव थ्री मिलियन टन हो गए इन ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन में जब हम कहते हैं कि मेज की जो डोमेस्टिक प्राइसेस प्राइसेस हैं इट इज बिलो टू इंपोर्ट पैरिटी प्राइस बट अब एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस तो देन देर इज नो जो आपका टैरिफ है दैट इज द गवर्नमेंट इट हैज हैजिटल इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक प्राइसेज और मेज़ के केस में नॉमिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन हैज बिन क्लोज टू जीरो जब हम डिस्कशन करते हैं विद एडिबल ऑयल तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अकाउंट्स लेस देन अकाउंट ऑफ एडिबल ऑयल यूज इन पाकिस्तान लेकिन जो आपकी इंपोर्ट क्वांटिटी है इट हैज बीन डबल्ड फ्रॉम ईयर यर टू थाउजेंड जो कि 2012 13 में होगी तक तकरीबन 2.2 मिलियन टन और जो आपके इंपोर्ट वैल्यू ऑफ एडिबल ऑयल थी इट हैज बीन इंक्रीज मोर देन सिक्स टाइम्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम यू एस थ्री मिलियन डॉलर से ये हो गया टू बिलियन डॉलर्स When we talk about traditional sources of domestic edible oil, we obtain edible oil obtain karte from cotton seed, rapeseed and mustard seed. Lekin during the, the time period from 2000 to 2009, sunflower seed production has been increased significantly in Pakistan. And the various forms of palm, palm oil account for 90% of the vegetable oil imports by weight during 2000 to 2009.

फोर्टी परसेंट ऑफ इम्पोर्ट वैल्यू जो कि टू थाउजेंड थर्टीन में हो गया ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ द इम्पोर्ट देयर इज डिक्रीज इन द टैरिफ ऑफ द टिफीपोर्ट वैल्यू अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम यहां पे आपके पास प्रोडक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं मेज फॉर लास्ट थर्टीन ईयर्स तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेज प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज बाई ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फिर इसी पैटर्न पे अगर हम देखें यहाँ पे प्रोडक्शन की, की तो वहां पे हम देख सकते हैं इट बीन इंक्रीज ऑलमोस्ट अबाउट फोर टाइम्स फिर जब आप सिसम की बात करते हो तो इट्स प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाई फाइव टाइम्स ड्यूरिंग दिज थर्टीन ईयर्स अब अगर मैं इस सारे को अगर आप कहने समराइज करूं तो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री मेज मेज कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन टू जी डी पीज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सेवन परसेंट एंड इट्स प्रोडक्शन इज अबाउट और जब हम ऑयल सीड्स की बात करें फरवरी के लिए तो इसकी प्रोडक्शन जो हमने इम्पोर्ट किया दैट इज अबाउट और लोकल प्रोडक्शन थ्री पॉइंट फोर नाइन सिक्सोस्ट फाइव टाइम्स इम्पोर्टेड टू मीट दिमांड्स अब यहां पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी is in the process of first ever comprehensive national oilseed policy to tackle this gap between the demand and local production of oilseed